आदित्य ने गुस्से में देविका जी की शर्त मान ली। आदित्य ने अपनी शर्तों पर रेवती से शुभम की जिंदगी बचाने के बदले शादी के लिए हाँ कर दी और जैसे एकदम से हर जगह से गायब हो गया। अपर्णा उसे ढूंढने हॉस्पिटल जाती रही, तब उसे अनुराग से पता चला कि उसने शादी कर ली है। समर ने शुभम के ट्रांसप्लांटेशन के लिए अपर्णा को हॉस्पिटल बुलाया तो अपर्णा को आदित्य के वहां होने का सुनकर सब कुछ पहले जैसा हो जाने की एक आस सी हो गई। ना चाहते हुए भी अपर्णा के होंठों पर एक शिकायत सी आ गई। अगर वो भी वहां मौजूद है तो उन्होंने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? क्या वो शुभम के डैड नहीं है या मैंने कोई ऐसा गुनाह किया है कि वो मुझसे खुद से एक बार बात भी नहीं करना चाहते? कहते कहते ही अचानक से अपर्णा को ध्यान आया कि शायद उसे शिकायत का कोई हक नहीं है, इसलिए उसने एकदम से अपने होंठ सी लिए और फिर टॉपिक चेंज करते हुए कहा, ठीक है डॉक्टर समर, मैं थोड़ी देर में वहां पहुंचती हूँ, कहकर अपर्णा ने कॉल कट कर दी। अपर्णा आदित्य की एक झलक देखने की उम्मीद लिए आनंद फानंद में अस्पताल पहुंची। कुछ जरूरी चेकअप के लिए उसे रिसेप्शन से ही शुभम को लेकर लैब में जाने के लिए कहा गया। तब अपर्णा ने जल्दी जल्दी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके शुभम को नर्स के हवाले किया और खुद लगभग भागती हुई डॉक्टर समर के केबिन में पहुंची। लेकिन वहां पर समर अकेला बैठा हुआ था। उसने बौखलाए हुए अंदाज में पूछा, मिस्टर ओबरॉय कहाँ है? डॉक्टर समर ने कुछ थके हुए लहजे में कहा, मैंने जब तुम्हें इन्फॉर्म किया तभी वो भी यहाँ से चले गए थे। अपर्णा को एक बार फिर हैरानी हुई, लेकिन वो ऐसे कैसे जा सकते हैं? कम से कम एक बार तो उन्हें मुझसे मिलना चाहिए था। शायद वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे या वो अपने घर गए होंगे। मैं उन्हें ढूंढ लूंगी, मैं अभी निकलती हूँ, कहकर वो जैसे ही पीछे पलटकर दरवाजे से बाहर जाने को हुई, वैसे ही एक गंभीर और सपाट आवाज उभरी, मैं आ गया हूं, बोलो तुम मुझे किस लिए ढूंढ रही हो? अपर्णा ने वो लहजा सुनते ही चौंक कर आदित्य का चेहरा देखा, लेकिन उसका चेहरा भी इस वक्त उसकी आवाज की तरह ही लग रहा था, ऐसा जैसे हर एहसास से खाली हो। अपर्णा ने जैसे खुद से मन ही मन कहा, ये मिस्टर ओबरॉय नहीं हो सकते। आदित्य से अपर्णा के लिए उसका अपनापन, उसकी शख्सियत का वो जादू भरा पहलू एकदम से गायब हो गया था। अभी जो शख्स उसके सामने था वो कोई भी हो सकता था, मगर वो आदित्य नहीं था। अपर्णा की आंखों में बेयकीनी थी, जबकि आदित्य की आंखों में एक सूनापन। उसका अनजाना और रूखा अंदाज अपर्णा के दिल के टुकड़े करने के लिए काफी था। अपर्णा ने मुश्किल से खुद को संभालते हुए कहा, आप ऐसे चले गए मिस्टर ओबरॉय? ऐसे कोई जाता है क्या? आपने शादी तक कर ली और मुझे एक बार खुद से भी बताना जरूरी नहीं समझा? कम से कम ऐसे अचानक से दूर जाने की कोई वजह तो होनी चाहिए थी जो मुझे आपके मुंह से सुननी थी। कहते कहते ही उसका लहजा रुआसा हो गया था, जबकि आदित्य ने उसी तरह रूखेपन से कहा, मेरी शादी करने की कई सारी वजह है, तुम क्या सुनना चाहती हो ये बताओ। अपर्णा ने इस एक मुलाकात के लिए न जाने कितने ही बार ख्यालों में आदित्य से बात की थी। कभी वो उसे रेवती से शादी करने की वजह शुभम का इलाज बताता, तो कभी अपने डैड को छुड़ाने के लिए किया जाने वाला एक सौदा। लेकिन ख्यालों में उसने आदित्य को मजबूर और बेबस देखा था, मगर आदित्य ने अभी उसके सामने ऐसा कुछ भी जाहिर नहीं किया। अपर्णा को लगा था कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आदित्य उसके साथ बेरुखी से तो बिल्कुल भी पेश नहीं आएगा। कुछ देर अपने अंतर्मन से यूं ही लड़ते रहने के बाद अपर्णा ने एक ठंडी गहरी सांस ली, जैसे वो अपने हिस्से की सारी लड़ाइयां हार चुकी हो। फिर उसने धीरे से कहा, नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना, शुक्रिया, कहकर वो धीरे धीरे चलकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। फिर अचानक दरवाजे से ठीक पहले पहुंचकर उसने ठिठकते हुए पूछा, क्या आपने सच में शादी कर ली है? अभी उसका सवाल पूरा भी नहीं हुआ था कि आदित्य ने एकदम से जवाब दिया, हाँ मैंने रेवती से शादी कर ली है। इतना सुनना था कि अपर्णा की रही सही हिम्मत भी जैसे खत्म हो गई। ये वो जवाब था जिसे वो जानती थी लेकिन सुनना नहीं चाहती थी। अपर्णा का पूरा जिस्म जैसे कांप सा गया था। अगर उसने दरवाजे का हैंडल नहीं थाम रखा होता तो शायद वो अब तक गिरकर फर्श पर पहुंच चुकी होती। वो आखिरी बार आदित्य को अलविदा कहना चाहती थी, लेकिन उसके होंठ जैसे सिल गए थे। फिर अपर्णा ने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर एक झटके में दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। एक शख्स जिसके साथ उसने जिंदगी गुजारने का फैसला किया था, एक शख्स जो उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था,
एक शख्स जो किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहता था, आज वही शख्स इतना अजनबी हो गया था। इधर अपर्णा जैसे ही समर के केबिन से निकली, वैसे ही आदित्य को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो अपने साथ साथ कमरे का सारा ऑक्सीजन भी खींच ले गई हो। उसे सांस लेने में बेहद तकलीफ होने लगी थी। वो कितना भी मजबूत बन जाता, लेकिन अपर्णा से दूरी उसके लिए कल भी बर्दाश्त से बाहर थी और आज भी। डॉक्टर समर ने जब उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देखे तो साफ तौर पर समझ गया कि आदित्य कैसी तकलीफ से गुजर रहा है। न चाहते हुए भी उसके होंठों पर एक शिकायत सी आ गई थी। मैं जानता हूं डॉक्टर ओबेरॉय कि यह फैसला आपके लिए भी इतना आसान नहीं है, लेकिन आप दोनों ही इतने परेशान हैं, फिर आप मिस अपर्णा से ठीक से मिल क्यों नहीं लेते? मानता हूं कि आप दोनों अब शायद एक नहीं हो सकते, लेकिन लोग जुदा भी खूबसूरती के साथ हो सकते हैं। उसके लिए खुद को या सामने वाले को इतनी तकलीफ देना जरूरी नहीं है। लेकिन आदित्य ने उसकी किसी बात का जवाब देने के बजाय उसी तरह सपाट लहजे में कहा, मैं एक बार फिर शुभम को तुम्हारी जिम्मेदारी पर छोड़ने जा रहा हूँ। उम्मीद है तुम इस बार भी उसे अच्छे से संभालोगे। डॉक्टर समर को ये समझ आ चुका था कि आदित्य खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश में बहुत आगे निकल चुका है, जहां से उसकी वापसी शायद अब नामुमकिन है। समर से इतना कहकर आदित्य वहां से निकल गया और सीधे अपने न्यूरो डिपार्टमेंट में चला आया। वहां मौजूद सिस्टर रमा, डॉक्टर अनुराग और ऋतु तीनों ही उसे देखकर खुशी से चौंक पड़े। अनुराग ने एकदम से उसे गले लगाते हुए कहा, ओ डॉक्टर ओबेरॉय, मुझे ऐसा लगा था कि शायद अब हमारी आपसे कभी मुलाकात नहीं होगी। सिस्टर रमा और ऋतु ने भी बारी बारी से उसे ग्रीट किया। सिस्टर रमा ने उसके बाद कहा, डॉक्टर ओबेरॉय, शायद आपको खबर ना हो कि आपके जाने के बाद कितने लोग, स्पेशली नर्सेस, उदास हो गई थी। ऋतु ने भी सिस्टर रमा की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, और अपर्णा मैम तो हर दिन आपको ढूंढने आती थी। अभी ऋतु ये कहकर खामोश ही हुई थी कि तभी अनुराग ने ये महसूस किया कि अपर्णा के जिक्र से आदित्य का चेहरा एकदम से सख्त हो गया था। आदित्य के एक्सप्रेशंस देखकर अनुराग ने जल्दी से कहा, सॉरी डॉक्टर आदित्य, ये लड़की कभी कभी कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाती है। आदित्य ने जैसे ही ये सुना अपने एक्सप्रेशंस नॉर्मल करते हुए बोला, ये बात यहां तक पहुंच गई कि अब आप ऋतु की गलतियों का बचाव भी करेंगे। ये सुनकर अनुराग ने मुस्कुराते हुए कहा, अब ऋतु के टर्म्स एंड कंडीशंस ही इतने हैं कि मैं और कुछ तो नहीं कर सकता, इसलिए सोच रहा हूं कि उसका बचाव ही करके दिल को तसल्ली दे दूं। ये सुनते ही सिस्टर रमा और ऋतु भी मुस्कुराने लगी थी। सबके चेहरे पर स्माइल बिखर गई थी, लेकिन अनुराग ने अगले ही पल एकदम सीरियस होते हुए पूछा, अगर हमें चिढ़ाना हो गया है तो क्या आप बता सकते हैं कि आप वापस कब से ज्वाइन कर रहे हैं? अनुराग के सवाल पर आदित्य के चेहरे पर एक बार फिर से सख्ती सी छा गई थी। उसने उचटती हुई नजर तीनों पर डाली और फिर सीरियस लहजे में कहा, मैं अब कभी वापस नहीं आ रहा हूं। इतना सुनना था कि जैसे अनुराग और सिस्टर रमा की सांसें भी रुक सी गई थी। सिस्टर रमा ने कुछ तेज आवाज में पूछा, ये क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर ओबेरॉय, क्या ये सच है? आज मेरा यहाँ से फाइनल डिपार्चर है। यूं समझिए कि मैं आप सबको आज यहाँ फाइनल गुड बाय कहने आया हूँ। आप सबके साथ काम करके बेहद खुशी हुई। इस अस्पताल और आप सब से इतनी अच्छी यादें जुड़ी हुई है जिसे मैं शायद जिंदगी में कभी भी भूल ना पाऊं। ये बात कहकर आदित्य तेजी से वहां से निकल गया। उसने ये भी परवाह नहीं की कि पीछे रह गए अनुराग और उन लोगों को भी उनसे कुछ कहना होगा। उस दिन के बाद अपर्णा ने खुद को शुभम के ट्रांसप्लांट के प्रोसीजर में पूरी तरह से बिजी कर लिया था। ये उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था जिसे उसे अकेले ही हैंडल करना था। ट्रांसप्लांट से पहले शुभम को हर दिन बहुत से टेस्ट से गुजरना पड़ रहा था, क्योंकि ऑपरेशन से पहले डॉक्टर्स ये कंफर्म कर लेना चाहते थे कि शुभम के ऑपरेशन के दौरान उन्हें किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े। इस दौरान भूले बिसरे उसे आदित्य की याद आ भी रही थी, तो भी वो खुद को एक बार फिर से दूसरी चीजों में बिजी कर ले रही थी ताकि उसे अपने नुकसान का रत्ती भर भी एहसास ना हो। हालांकि इस दौरान उसने अक्सर आदित्य को भी शुभम के लिए मौजूद रहते देखा था। वो अपर्णा के लिए जहां बिल्कुल ही अनजान था, वहीं अभी भी शुभम से जुड़ी सारी जिम्मेदारियां एक बाप की हैसियत से ही निभा रहा था। हालांकि इस दौरान अपर्णा का दिल बहुत चाहता था कि वो एकदम से जाकर आदित्य के सीने से लग जाए और हमेशा की तरह अपने सारे दुखों से सौंपकर सुकून का एहसास पा ले।
लेकिन अपर्णा के लिए आदित्य के दिल का वो हिस्सा अब मौजूद नहीं था। ऑपरेशन से ठीक कुछ दिनों पहले डॉक्टर समर ने उसे बुलाकर कहा, अब हमारी तैयारी आखिरी फेज में है, लेकिन आपको बेहद मजबूती से काम लेना पड़ेगा। हमें शुभम को कीमोथेरेपी का एक आखिरी डोज देना पड़ेगा। कीमोथेरेपी का नाम सुनकर अपर्णा की जैसे रूह सी कांप गई। उसे एकदम से पिछली बार की बात याद आ गई जब शुभम को कीमोथेरेपी दी गई थी और उसकी हालत ठीक होने के बजाय और खराब हो गई थी। अपर्णा ने बेचैनी से कहा, हम ट्रांसप्लांट तो करवा ही रहे हैं, ऐसे में ये थेरेपी जरूरी है क्या? डॉक्टर समर ने उसे समझाते हुए कहा, हाँ मिस अपर्णा, इस फेज में भी कीमोथेरेपी जरूरी है और अब आप ऑपरेशन तक शुभम से नहीं मिल पाएंगी। ये सुनकर अपर्णा को एक झटका सा लगा। उसने हैरानी भरी नजरों से देखते हुए पूछा, लेकिन क्यों? तब डॉक्टर समर ने बताया, दरअसल हमें इस दौरान पेशेंट को बिल्कुल ही अलग रखना होता है ताकि किसी दूसरे के कांटेक्ट में आने पर पेशेंट को इन्फेक्शन का खतरा ना के बराबर हो। इसलिए हमें शुभम को ऑपरेशन तक सबसे अलग थलग रखने की जरूरत है। अपर्णा ने बेबसी से कहा, डॉक्टर समर, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप एक के बाद एक शर्तें रखकर मेरा पेशेंस और मेरी ममता आजमा रहे हैं। समर ने यह सुनकर सीरियस लहजे में कहा, आपको अच्छे से पता है मिस अपर्णा कि शुभम मेरे लिए सिर्फ एक पेशेंट नहीं है, बल्कि मेरे भी उससे इमोशंस जुड़े हैं। ऐसे में मैं उसकी बेहतरी के लिए हर वो स्टेप सख्ती से उठाऊंगा जो इस ऑपरेशन के लिए जरूरी है। और फिर कुछ ही दिनों की बात है, हम ये सब शुभम को पूरी तरह से ठीक करने के लिए ही कर रहे हैं। अपर्णा ने धीरे से हाँ में सर हिलाते हुए कहा, एक इंसान होने के नाते मैं ये सारी बातें समझ सकती हूँ डॉक्टर, लेकिन एक माँ के दिल को कैसे समझाऊं मैं, जो इतना बेबस है कि इस बीमारी की हालत में भी अपने बच्चे के करीब रहकर उसे देख नहीं सकती, उसे चूम नहीं सकती, उसे ये दिलासा नहीं दे सकती कि माँ तुम्हें कुछ भी नहीं होने देगी। तब समर ने उसे एक बार फिर से समझाते हुए कहा, आपका बेटा एक योद्धा है मिस अपर्णा, और मुझे पूरा यकीन है भले ही उसे ये लड़ाई अकेले लड़नी पड़ रही हो, लेकिन वो कामयाब होकर लौटेगा। अपर्णा ने धीरे से अपने आंसू पोंछकर बुदबुदाते हुए कहा, भगवान करे ऐसा ही हो। समर के केबिन से निकलकर अपर्णा ने खुद को रोने से जितना रोक रखा था, अब एक कोने में वहीं फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी थी। उसने बिलखते हुए कहा, मेरे नन्हे से बच्चे पर कितनी मुश्किलें गुजर रही है, पर इनके बाद मेरे बच्चे को मुझे वापस कर देना भगवान जी, अब मैं एकदम से टूट गई हूँ। आपने अगर मेरे नसीब में और कोई इम्तिहान लिख कर रखा है तो मैं पहले ही बता देती हूँ, अब मैं और कोई इम्तिहान पास नहीं कर पाऊंगी। मैं टूट चुकी हूँ भगवान जी, मैं बुरी तरह से टूट चुकी हूँ। अभी वो ये सब कहते हुए बिलख ही रही थी कि तभी उसके बिल्कुल करीब से एक गहरी और सीरियस आवाज उभरी, मत रो, अब तो सब ठीक होने वाला है। अपर्णा ने पीछे पलट कर देखा तो एक मजबूत हाथ उसकी तरफ टिश्यू पेपर बढ़ा रहा था। क्या वाकई में शुभम की जिंदगी बचाने के लिए अपर्णा ने अपनी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए खो दी थी, या अपर्णा का प्यार आदित्य को वापस पुरानी जिंदगी में लाने के लिए कर देगा मजबूर? जानने के लिए सुने कमबख्त मोहब्बत का अगला भाग सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।